कि दिल्ली अपनी पूरी पानी की सप्लाई के लिए यमुना नदी पर डिपेंडेंट है। यमुना नदी में दिल्ली में वो पानी आता है जो हरियाणा से छोड़ा जाता है। आज हम वजीराबाद पॉन्ड पर हैं, यहाँ पर 674 फीट पर पानी का लेवल होना चाहिए। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, बगल में एक वाटर मीटर भी है जो आपको दिखाएगा कि अभी पानी का स्तर उससे 3.5 फुट से ज़्यादा कमी पर है। आज के दिन पे 370.3 पर फिट पर यहाँ पर यमुना का वाटर लेवल है। आज के ही दिन पिछले साल 374.5 फिट पर पानी था। अब क्या होता है कि जो यमुना का पानी आता है, इससे आपका वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, आपका चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को यहाँ से पानी मिलता है। जब आपके पानी की सप्लाई ही कम हो जाएगी, जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी ही कम जाएगा, जब हरियाणा से पानी ही कम आएगा, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पानी कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे? तो हमने हरियाणा सरकार को भी चिट्ठी लिखी है, आज हम केंद्र सरकार को भी रीच आउट करेंगे कि दिल्ली को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। और यही पानी की कमी की वजह से, जो हरियाणा पानी नहीं छोड़ रही है, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में तराही तराही मच रही है। देखिए, वाटर शॉर्टेज का कारण ही यही है कि मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ पे वजीराबाद पॉन्ड से जो यमुना का पानी है, ये दिल्ली के 3 बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को फीड करता है। वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अगर हरियाणा पानी ही नहीं छोड़ रही है, और आप प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिएगा कि पानी का स्तर जो टेबल है उस पर कितना है, तो अगर पानी ही नहीं आएगा, अगर रॉ वाटर ही अवेलेबल नहीं होगा, तो पानी की प्रोडक्शन कैसे होगी? तो इसलिए हम हरियाणा सरकार को आज फिर से लिखेंगे, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिखेंगे, हरियाणा की इस मनमानी की वजह से देश की राजधानी को पानी के संकट में नहीं डाला जा सकता है। मैम, बीजेपी ब्लेम कर रही है कि आपने समर एक्शन प्लान भी बनाया और राशनिंग नहीं की वाटर की, इसकी वजह से ये इतनी वाटर शॉर्टेज हो रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, राशनिंग पानी की कब होती है? जब आपका व्हाट इज़ द समर एक्शन प्लान, कि जो कंजम्पशन बढ़ी है उस कंजम्पशन को हमारे एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई में कैसे मीट किया जाए। इसलिए आप राशनिंग करते हैं, इसलिए आप कुछ टैंकर्स का प्लान बनाते हैं, आप अलग अलग एरियाज़ में थोड़ा थोड़ा पानी का सप्लाई कम करते हैं। लेकिन समर एक्शन प्लान भी डिपेंडेंट है पानी की सप्लाई नॉर्मल लेवल्स पे बने रहने के लिए। आज के दिन में जब हरियाणा पानी ही नहीं छोड़ रहा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में पानी ही नहीं आ रहा, तो क्या करेगा समर एक्शन प्लान? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स पानी बना नहीं सकते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो पानी यमुना में आता है उसको ट्रीट करके सप्लाई कर सकते हैं। अगर पानी ही नहीं आएगा तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या करेगा? हम दिल्ली वालों को क्या बोलना चाहेंगे, जो रेजिडेंट्स हैं, जो सफ़र कर रहे हैं वाटर शॉर्टेज की वजह से? देखिए, मैं तो सभी दिल्ली वालों को कहूँगी कि पानी को बहुत केयरफुली इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी पानी की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। कुछ इलाके हैं जो इतना ज़्यादा अभी सफ़र नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी अगर पानी को केयरफुली यूज़ किया जाता है, जितना कम से कम है उतना यूज़ किया जाता है, तो फिर हम दिल्ली के बाकी हिस्सों को भी सप्लाई कर पाएंगे।